किसी कुत्ते को मारना हो तो यह अफवाह फैला दो कि वह पागल हो गया है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो यह ऐलान कर दो कि वह देशद्रोही है। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ था नंबी नारायण जी के साथ, जो एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए और इनको 50 दिनों तक जेल में रखा गया, मेंटली और फिजिकली असॉल्ट किया गया। पर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ये एक ऐसे क्रायोजेनिक इंजन बनाने पर काम कर रहे थे जो भारत को स्पेस की दुनिया में आज से 20 साल आगे ले जाता और इसरो भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के बराबर में होता। नंबी नारायण जी का केस लगभग 25 वर्षों तक चला। इस दौरान उनके और उनके परिवार के ऊपर लोग ताने कसते रहे, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दी कि नंबी नारायण जी पे सभी लगाए आरोप झूठे हैं। इसके बाद मीडिया ने भी माना नंबी नारायण जी निर्दोष हैं। वो इसलिए क्योंकि नंबी नारायण जी के बारे में इन्होंने गलत गलत अखबारों में छापी थी। 2019 में नंबी सर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।